हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है प्राइस एक्शन का यह वीडियो, जहाँ पर हम दो पैटर्न्स को समझेंगे और साथ ही साथ हम मार्केट एक ट्रेंड में जब होता है, एक ट्रेंड में मार्केट है वो कहाँ से रिवर्सल होगा, हम कैसे प्लान करेंगे ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर अप ट्रेंड में है तो वो रिवर्स कहाँ से हो रहा है और डाउन ट्रेंड में है तो वो कहाँ से ऊपर जा सकता है, इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में, जहाँ अगर आपको कुछ भी नहीं पता है बाजार के बारे में, साइकोलॉजी नहीं पता है कि किस तरह से कैंडल्स वर्क करती हैं, प्राइजेस किस तरह से ऊपर नीचे आती हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स एंड अलाइस ब्लू में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक है। यार हमारे लिंक के थ्रू अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो तो हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। चलिए अभी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मल व्हाइट बोर्ड पर आ गया हूँ। अभी आपको पता है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड क्या होता है? कोई भी स्टॉक या कोई भी निफ्टी, बैंक निफ्टी कुछ भी है, वो अगर अप ट्रेंड में तो क्या करता है, पहले एक ऐसे सीधा चलता है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, फिर ऊपर जाता है। जब ये इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जो प्रीवियस इसका हाई है उसको ब्रेक कर दिया, इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड। एंड फिर अगेन रिट्रेस किया और फिर अप गया। अब क्या हुआ, देखिए, एक ये प्रिसीडिंग हाई, इसके ऊपर इसने एक नया हाई बना दिया, और ये प्रिसीडिंग लो है, इसके ऊपर इसने एक नया लो बना दिया, यानी अपने वो पिछले लो को नहीं ब्रेक कर रहा। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये समझते हैं। अब समझ लीजिए, एक बैंक निफ्टी का या निफ्टी का ऑप्शन है या फिर कोई भी एक स्टॉक है, मान लेते हैं हम 100 रुपीज का, राइट, 100 रुपीज का स्टॉक है, यहां पे आपने इसको बाय कर लिया एंड ये स्टॉक यहां से यहां तक आ गया 120 रुपए तक। जनरली यहां पर आपको क्या हो रहा है, आपको यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन कोई ऐसा भी है जो अभी नहीं बाय कर पाया, उसको समझ ही नहीं आया कि ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, लेकिन आपके लिए ये प्रॉफिटेबल प्राइस है। आप क्या करोगे, यहां पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करोगे, और आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जैसे इसमें सेलिंग आएगा तो ये नीचे आएगा, जब ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाएगा नीचे आएगा तो क्या करेंगे, जो यहां पे मिस कर दिए थे, यहां पे जो नहीं बाय कर सके थे, वो यहां पे कहीं बाइंग करने की कोशिश करेंगे और फिर प्राइस जो है ऊपर निकल जाएगा। अभी तक अभी भी यहां पे कुछ लोग यहां पे प्रॉफिट बुकिंग किए और कुछ लोग यहां पे बैठे हैं, उनको पता है कि और भी ऊपर जाएगा, ये राइड कर रहे हैं। अगेन फिर जरूरी नहीं है कि सबने यहां पे परचेज कर लिया, कुछ लोगों को लगा होगा ये रिवर्सल हो रहा है, कुछ लोगों को लगा होगा ये रिवर्सल हो रहा है अब तो नीचे ही जाएगा, लेकिन जब ये अगेन ऊपर गया तो और भी लोगों ने बाइंग किया, कुछ इसके ब्रेकआउट पे बाइंग किया, कुछ लोगों ने बहुत तरीके से इसमें बाइंग आ रही है और प्राइस अगेन ऊपर ऊपर चलने लग गया, राइट। इस तरह से सेम सिलसिला जारी रहा कि यहां पे बाइंग किया गया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर बाइंग किया गया। जब प्राइस एक टॉप पे पहुंचता, मैं इसको एक बार मिटाऊंगा, आप ध्यान से समझिए, इस तरह से मूव दिखाया हमें, ये एक अपर ट्रेंड का शुरुआत है। एंड अब क्या हो रहा है, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर से ये रिट्रेसमेंट आया, क्या आप इसको कह सकते हो कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है? यहां पे भी ये रिट्रेसमेंट हुआ था, यहां पर भी ये रिट्रेसमेंट हुआ था, तो आप इसको नहीं कह सकते ये रिट्रेसमेंट है, तो ये रिट्रेसमेंट है या फिर ये रिवर्सल है। तो जो एक चीज यहां से हमें क्या समझ में आया कि भैया कभी भी टॉप को पकड़ा नहीं जा सकता है, कभी आप गलती से पकड़ लिए हो तो वो सिर्फ और सिर्फ तुक्का है। कभी भी आप टॉप को गलती से टॉप को आप पकड़ नहीं सकते हैं कि आपने टॉप पे सेल कर लिया, वो तुक्के से हो जाता है। अब यहां पर फिर हमें कैसे समझ में आएगा कि ये रिटर्न हो रहा है, अब जैसे ही ये रिट्रेसमेंट आएगा फिर यहां पे बाइंग आएगी, यहां पे फिर बाइंग आएगी, नए बायर्स आएंगे, एक्युमुलेट करेंगे, लेकिन इस बार जब ये ऊपर जाएगा तो यहां पे जो सेलर्स आए थे वो सेलर्स इसको इस पॉइंट से ऊपर जाने नहीं देंगे, या थोड़ा बहुत ऊपर निकलेगा तो फिर से सेलिंग इसमें आ जाएगी और ये इस तरह से नीचे आ जाएगा, और जब नीचे आएगा तब कंफर्मेशन हमें मिलेगा कि हाँ भाई ये एक पैटर्न बना है जिसे हम कहते हैं एम पैटर्न। अब देखिए ये एक पैटर्न बना है, अगर मैं इसको मिटा दूं ये देखिए ये एक एम पैटर्न बन गया। अगर पीछे की चीजें आप नहीं देखोगे, आप ये चीजें आप अगर हटाओ, ये देखिए ये एक एम पैटर्न बन गया। जनरली जो एम पैटर्न्स वर्क करते हैं वो भाई टॉप के ऊपर बने हुए एम पैटर्न वर्क करते हैं। एक ट्रेंड होना चाहिए, उस ट्रेंड के बाद अगर एम पैटर्न बन रहा है फिर ये एम पैटर्न वर्क करेगा। अगर आप बीच में कहीं भी मार्केट खुला और आपको एम पैटर्न मिल गया, आपने ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होगा। एक ट्रेंड चाहिए हमें, राइट।
इसके पीछे का साइकोलॉजी आपको समझ में आया, मतलब यहाँ पे सेलर्स हावी हुए, यहाँ पे सेलर्स हावी हुए और प्राइस नीचे है। अब क्या होगा, अब फिर ये दोबारा से बाउंस बैक होगा, यहाँ पे बायर्स आने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर से अब सेलर्स अपने प्राइस को शिफ्ट कर देंगे और फिर नीचे आएगा। अब जो यहाँ पे सेलर थे, यहाँ पे सेलर थे, इतने सारे सेलर्स आए हैं, वो शॉर्ट को अपने कवर भी तो करेंगे। बात को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताता हूं। हमें एक चीज समझ में आ गया कि ये एक अप ट्रेंड हुआ, हायर हाई बना, एंड यहां पे एक ऐसा मूवमेंट आया जहां पे सेलर्स को लगा कि हाँ ये स्टॉक या बैंक निफ्टी या निफ्टी ओवरबॉट जोन में चला गया है, अब यहां से ऊपर नहीं जा सकता भैया, सेलिंग ही मिलेगा। या पीछे कोई लेवल था, इस लेवल का ये रजिस्टेंस फेस कर लिया, अभी लाइव चार्ट में भी दिखाऊंगा आपको, बने रहिएगा। रजिस्टेंस फेस कर लिया है, अब ये ऊपर नहीं जाने वाला, तो यहां से सेलर हावी हो जाएंगे, ये फिर नीचे आएगा। लेकिन बायर्स को नहीं पता कि ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है, बायर्स क्या करेंगे, यहां पे और बाइंग करेंगे, ये फिर ऊपर जाएगा, और जब ऊपर जाएगा तो सेलर्स यहां से फिर हावी होंगे और ये नीचे आ जाएगा। ये हो गया अपना एक रिवर्सल पैटर्न टॉप पे, तो हम एंट्री ले लेंगे, बट कहां पे एंट्री लेंगे ये मैं अगले पार्ट में आपके लिए लेके आ जाऊंगा वीडियो। अगर आप अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं, वीडियो पे अच्छा खासा लाइक आता है, 1000+ लाइक होता है, तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेके आऊंगा आप लोगों को समझाने के लिए कि मेरे दोस्त एंट्री एग्जिट कैसे करना है। अभी डाउन ट्रेंड को समझ लेते हैं बड़े ध्यान से, फिर रियल चार्ट पे भी समझ लेंगे डाउन ट्रेंड क्या हो सकता है, डाउन ट्रेंड किस तरह से प्लान कर सकते हैं अपन। ऊपर से प्राइस इस तरह से करेगा, ध्यान से देखिए, ये है, ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर बढ़ने की कोशिश किया, नीचे क्या कर रहा है, ये एक हाई बनाया और दूसरा हाई उसके नीचे है, ये एक लो है, दूसरा हाई उसके लो, यानी ये लोअर लो का पैटर्न फॉर्म कर रहा है, लोअर लो का पैटर्न फॉर्म कर रहा है। बट ये वर्क कैसे करता है मैं आपको दोबारा से दिखाऊंगा। ये देखिए, ये सारे लो शिफ्ट हो रहे हैं। अब एक ऐसा टाइम आएगा यहां पे जिसने सेल किया, जिसने मान लीजिए यहां पे सेल किया, वो क्या करेगा, वो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। जरूरी नहीं है बाइंग ही आए, जरूरी नहीं है कि स्टॉक में बाइंग आए, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। जरूरी नहीं है स्टॉक में बाइंग आए, यहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगा, तब भी प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों, यहां पे सेल किया किसी ने, और अगर यहां पे वो अपने को कवर कैसे करेगा, अपना प्रॉफिट बुक करेगा तो बाय करेगा ना, ये ऊपर जाएगा, फिर यहां पे फ्रेश सेलर आएंगे, फिर ये नीचे जाएगा, फिर यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऊपर जाएगा, या फ्रेश बायर्स कुछ आएंगे, इस तरह से बनाएगा। एंड एक ऐसा मूवमेंट आएगा स्टॉक में जहां पे बायर्स को ये प्राइस अच्छी लगेगी और ये डिमांड जोन कहलाएगा, डिमांड जोन कहलाएगा, एंड यहां पे बायर्स आएंगे। लेकिन जब ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, आपको नहीं पता कि ये रिवर्सल है या क्या है, एंड अगेन यहां पे सेलर्स आएंगे, एंड अब की बायर्स पावरफुल है और उसको टेस्ट नहीं करने दिए। क्या पैटर्न बन गया, कमेंट करके बताइए क्या पैटर्न बन गया, नाम नहीं लूंगा, कमेंट आना चाहिए तभी समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आया है वीडियो। ये देखिए, सब कुछ मिटा दिया, ये क्या पैटर्न बना था, ये क्या पैटर्न बन गया था, कमेंट करके आप बताइए। राइट, क्या किया था हमने, यहां पे आया और यहां पे रिवर्स हो गया। इस पैटर्न का नाम बता दीजिए, अभी आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से रिवर्सल होता है। तो यहां पे टॉप पकड़ना या बॉटम पकड़ना बहुत आसान नहीं है भाई, मार्केट में बहुत ज्यादा पेचीदा है और इतना क्लियरिटी आपको दिखेगा भी नहीं। अभी लाइव चार्ट में आपको मैं लेके आ रहा हूं, एंड यहां पे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए, ये एक ट्रेंड में है। यहां से भी अगर हम अंदाजा लगाते हैं, ये एक लो है, उसके बाद ये एक लो बना है, ये एक लो बना है, ये एक लो बना है, यहां पे एक लो है, यहां पे एक लो है, यहां पे एक लो है, और यहां पे एक लो है। अभी अगर देखें तो ये प्रीसीडिंग लो को ब्रेक कर दिया है, प्रीसीडिंग लो को ये ब्रेक कर दिया है। यहां पे देखिए, मतलब ये जो था लोअर लो, लोज जो है ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं और हाईज भी जो है ऊपर शिफ्ट होते जा रहे थे। अभी मार्केट क्या करेगा, अभी हमें नहीं पता है। अब क्या ये अपने प्रीसीडिंग हाई को जब ब्रेक करने जाएगा, ये एक रिट्रेसमेंट है या नहीं, ये कब पता लगेगा। मार्केट इस रेंज में आ गया है, इस रेंज में आ गया है। अब मार्केट अगर ये प्रीसीडिंग हाई को ब्रेक कर लेता है फिर तो ठीक है, और अगर इसको यहीं से रिवर्सल मिलती है 18,800 के आसपास से, 18,800 के आसपास से रिवर्सल मिलती है, तो हम सोच सकते हैं हाँ ये एक पैटर्न बना के फॉल कर सकता है। और अगर ये पैटर्न, ये जरूरी नहीं है एक दिन में बन जाए, जरूरी नहीं है दो दिन में बन जाए, ये इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है। मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से ये दोबारा से ऊपर जाए और यहां पे आए, इस तरह से भी हो सकता है ये। राइट, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही ये दोबारा ऊपर जाके इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, हम यहां पे शॉर्ट ले सकते हैं। एंट्री एग्जिट मैं आपको आगे बताऊंगा,
अपकमिंग वीडियो में, बट यहां तक अगर आपको समझ में आया है कि कैसे रिवर्सल प्लान होता है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।